वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं बैंगलोर में हमारा फर्स्ट डे कैसे गुजरा। और मैंने ना व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग किया है, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। अंकल, बैंगलोर में धूप नहीं निकलती है क्या? क्या भैया, धूप नहीं होती है क्या? धूप होता है भैया। ये देखो, धूप ही नहीं है, 11-12 बज रहे, धूप ही नहीं है। नहीं, ठंडा एकदम क्लाइमेट। और आज ठंडा है, अच्छा। तो क्लाइमेट काफी रोमांटिक हुआ था, एकदम शिमला वाला फील आ रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, वो भी दोपहर के 12 बजे। वेलकम टू बैंगलोर, दिस इज द ट्रैफिक। सो गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत ही बुरी मॉर्निंग हुई थी मेरी। फाइनली हम लोग एक अच्छे होटल में आए और रात में इतने घटिया लॉज में रुके थे हम लोग कि मतलब मैंने ना शूट ही नहीं किया। और 12:30 बजे हम लोग, वो तो मिल गया शुक्र है, वरना ना यहाँ पे इलेक्शंस चालू है, रैलीज ये सब निकली है, सारे होटल्स फुल है और हम लोगों को ना मिल ही नहीं रहा था। एक तो मतलब हम लोग 5 बजे से घर से निकले थे, फिर तो फिर मेरे घर से मतलब खुद वहाँ से जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से ड्राइव करके मुंबई आए थे, फिर फ्लाइट ये वो, मेरी इतनी हालत में पेन किलर खाई हो अभी। और जहाँ हम लोग रात में रुके थे वहाँ से अभी 2 घंटा लगा हम लोग को यहाँ पहुँचने जहाँ काम है। और फाइनली अच्छा रूम मिला है, सुकून है सच में। रात में ना हम लोग सो भी नहीं पा रहे थे हम लोग ठीक से। रुको, मैं आप लोगों को रूम बताती हूँ मेरा। ये है रूम। और हाँ, कल ना एसी भी नहीं था, कुछ नहीं था हम लोग को ये। और अभी यहाँ पर भी मतलब स्टैंडर्ड रूम्स ये सब अवेलेबल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव रूम है, इसके चार्जेस भी ज़्यादा है, बट ठीक है यार, डिसेंट है, अच्छा है, सुकून मिल रहा है ना। थक गए ना अभी, ये तो अभी भी जाएंगे, फिर 15 मिनट में मैं आराम करने वाली हूँ आज यहाँ पे, बाकी जो घूमना फिरना है वो कल। वॉशरूम है के पार कह रहे, इतना बड़ा मुंबई में घर बन जाएगा इसमें। चलो। मैंने कर लिया चेंज आराम से, एकदम टेंशन फ्री। और मैं तो आज करने वाली पूरा दिन रेस्ट, तो फिर जाएंगे अपने काम के लिए, पता नहीं वो कब आएंगे। मैंने कहा कि खाना मैं अकेले खा लूँ ना, ऑर्डर करके तो हंस रहे थे। मतलब यहाँ बैठ के मैं आराम तो नहीं करने वाली हूँ, मुझे अपने ब्लॉग्स के काम है और बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग है, उनका सबका एडिटिंग मैं अभी करने वाली हूँ आज बैठ के पूरा दिन। तो फेल इज़ गेटिंग रेडी फॉर बिजनेस मीट। ऑल द बेस्ट बेबी। अच्छे लग रहे हो यार, मेरे साथ ही तुम जाते हो ना तो ऐसे गंदे से बन के जाते हो सच्ची में। हाँ, अफजल क्या? अफजल भी अच्छा लगेगा। मतलब तुम जब गए थे, तुमको सब काम रहता ना, बराबर टिप टॉप बन के जाने का अपने फ्रेंड्स को। मेरे साथ जाओ तो एकदम अंकल। सो गाइस, तो फेल ना अभी निकल गए अपने काम के लिए। और मैं ना आप लोगों को बता रही थी कि व्लॉग्स ना, हाँ तो रमज़ान सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया था ना, तो पिछले ना मतलब 3 या 4 व्लॉग्स रहेंगे, उसमें से तो एक बहुत इंटरेस्टिंग शादी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर बाकी तो अभी सब नए व्लॉग्स ही आने वाले आप लोगों के लिए, और वो इंटरेस्टिंग थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। इतनी एफर्ट्स लेके मैंने हर चीज़ शूट की है, और काफ़ी खास फ्रेंड की शादी थी तो वो तो मतलब बनता है डालना। और हाँ, मैंने तो आप लोगों को अच्छे से बताया भी नहीं कि जो अकासा एयरलाइंस है उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरा। तो काफ़ी अच्छी एयरलाइंस थी और बहुत फ्रेंडली थे, मतलब ये जो केबिन क्रू होते हैं ना वो लोग, बच्चों के साथ में बात करते थे। हम लोग को ना कॉम्प्लीमेंट्री स्मूदी भी मिली तो अच्छा लगा। पहली बार मतलब इतनी बार मैंने ट्रैवल किया बट कभी ऐसे कुछ मिला नहीं था, बट ये पहली बार हम लोगों को कुछ मिला। और दूसरा ये कि है ना, कल ना यहाँ पे बैंगलोर का क्लाइमेट अभी बहुत ठंडा है क्योंकि कल बारिश हुई थी,
जब हम लोग फ्लाइट में थे ना, तो बहुत थंडरिंग और इसका टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लाइटनिंग इतनी हो रही थी ना, मतलब सामने वाले विंडो से हम लोग देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ना दिवाली खेल रहा है। मतलब इतने पटाखे जल रहे, जैसा एक एक सेकंड पे एक एक। तो फेल देख के बोलते यार साला डर लग रहा है, क्योंकि वो तो फेल का 5वीं बार था शायद फ्लाइट में, और मेरा 525वीं बार। तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या। तो मैंने कहा तो टेंशन मतलब वो कुछ क्रैश नहीं होने वाली, दुआ हुआ पढ़ने लग गए थे वो डर के कि इतना टर्बुलेंस हो रहा था ना, बिकॉज क्लाइमेट खराब था और बादलों में से ना लाइक कुछ दिख नहीं रहा था। प्लस जब बादल में थे ना, तो जब थंडरिंग हो रही थी, प्लस एयरक्राफ्ट की जो लाइट एंड ऑल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर ना एकदम ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी और टर्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हिल रहा था। तो फिर हम लोग, मतलब टेंशन मतलब हाँ कलमा दुआ पढ़ लो अगर तुमको मतलब वैसे लग रहा है तो। और एयरलाइंस में काफ़ी स्पेशियस थी, बहुत अच्छी थी, हम लोगों को सीट बहुत अच्छी मिली थी, राइट बिजनेस क्लास के पीछे ही मिली थी, तो बहुत स्पेस था आगे का सामने, क्लीन था, क्योंकि न्यू एयरलाइंस तो ऑब्वियसली ये बात है कि क्लीन होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी। तो फिर है ना मज़ा आया एयरलाइंस में। अभी तो कुछ नहीं करूँगी, पेपर पढ़ूँगी थोड़ा सा, देखती हूँ क्या न्यूज़ है एंड ऑल। फिर मन के तो कुछ खाने के लिए मंगा लूंगी, क्योंकि वैसे भी 12 बज रहे हैं, संडे है आज, तो फेल को पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो फेल के बिना इतना बोर हो रहा है ना। सामने एक विंडो है, फिर वहाँ पे ड्रेसिंग रूम जैसा एक रूम है, रूम नहीं मतलब ड्रेसिंग रूम जैसा है सेक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक विंडो है, फिर एकदम बड़ा सा क्वीन साइज बेड है रूम में, फिर कुछ नहीं वहाँ पे, बस सामान रखते, कबर्ड है, फिर भी सामान हम लोग ने ऊपर ही फेंका है, और डस्टबिन है, छोटा मिनी फ्रिज है, टीवी है, और वॉशरूम तो आप लोगों ने देखा ही है पहले कैसा है। और ये पीछे जो है ना, ये बहुत मस्त बनाया हुआ है POP से, एकदम सिंपल और स्लीक बेड के ऊपर, और वहाँ पे भी लाइट जलती है, मैं आपको बताती, रुक जाओ। और ये ऊपर भी इसी तरह का कुछ है डिजाइन, देखो इस तरह बेड पे। तो ना कल हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे, बट रूम तो गंदा था ही, बट शुक्र है मैं उसके लिए भी थैंक्स बोल रहा हूँ अल्लाह ताला को कि मिल गया। ऐसा था ना कि बैंगलोर से, मतलब मुंबई से बैंगलोर आने को 1.5 घंटा लगा हम लोग को, और बैंगलोर से ही बैंगलोर जाने को 3 घंटा लगा हम लोग को, जस्ट सोचो इतना दिक्कत था। और रात में ना नसीब से फिर रूम मिला, जैसा भी मिला अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। 4 बज रहे अभी, तो फैल आए चार अभी साढ़े, तुम 4 बजे, अभी 4:30 बज रहे, 4:30 बज रहे अभी है, तो फेल मेरे को हुआ नहीं इनके बिना खाना खाने, तो मैं सो गई थी, मन नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तुमने इतने तभी भी मेरे को खाना खाने, सच्ची में तो मैं खा लेती, अरे कसम से नहीं, मैं मंगा लेती पर मैं नहीं खाई सो रहे थे, अरे आराम से, इतना बुरा डर लग रहा था ना, क्या बताऊं मैं तुमको, मैं पहली बार सोई ऐसा अकेले बोल रहे, बोल ले कितना झूठ बोल रहे हो चलो अभी हम लोग जा रहे खाना खाने, मैं तो बोली थी घर में ही मंगा लो, बट फिर बोले चल थोड़ा नीचे अच्छा लगेगा, तब जा रही हूँ। क्या बोल रहे, 45 45। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये काफ़ी फेमस है आउटलेट इसका, अपूर डोने बिरयानी पैलेस। हम लोग ने बिरयानी ऑर्डर की अभी, चिकन की, बहुत ही यूनिक बिरयानी थी, मैंने फर्स्ट टाइम खाई, और मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब भी बैंगलोर आओ तो ये दोने बिरयानी ज़रूर खाना। दोने मीन्स के जो पाम लीव में ये सर्व होता है ना, उसको बोलते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, रेगुलर बिरयानी से ना कुछ अलग थी। लंच करके फिर से हम लोग आ गए थे होटल पे, और प्रिंस को वीडियो कॉल कर रहे हैं हम लोग अभी देखो दरवाजा खोलो, बेबी दरवाजा खोलो, आ गया मैं, ओपन द डोर पापा, वेयर इज माय बेबी, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, बहुत टाइम पास किया रूम में, सो लेट्स गो। है मेरा मन कर रहा है चाट खाने का, नीचे यही होटल का चाट काउंटर है, लेट्स सी पहले वो खाते हैं, क्योंकि शाम को हम लोग लंच करके ना आइसक्रीम भी वहाँ से ही खाए थे, तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा है क्रैक हो गई है ना ग्लास, वो डिजाइन है उस पर।
ये हम लोगों का होटल है, श्रीनिधि ग्रैंड इन। मेरी रसीद में चाट वाट है नहीं, ख़त्म हो गया है आज, आज जल्दी ख़त्म हो गया बोल रहा है। से वहीं जा रहे हैं हम लोग, अप्पू दो ने बिरयानी, अभी हम लोग परोठा खाएंगे शायद से। परोठा अवेलेबल नहीं था, सिर्फ बिरयानी थी और कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक एक गोटी सोडा पिया हम लोगों ने। मैं अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में आई हूँ नीचे, यहाँ प्योर वेज है मेन्यू में। तो फिर ने वहीं पे खा लिए थे बिरयानी, मैंने दोपहर में बिरयानी खाई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था बिरयानी खाने का। अपने लिए ना मैंने नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की है, देखते क्या आता है उसमें, टेस्ट कैसा रहता है। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, आज तो बस ऐसे ही चला गया अकेले अकेले बोर होते होते, तो फिर भी अपने काम से गए थे। और कल यहाँ पे तो फिर फ्री इसलिए है कि शायद यहाँ पे लेबर डे है, ये रीज़न की वजह से है ना, तो फिर फ्री है तो वो साथ में घूमेंगे मेरे, सो इट विल बी एक्साइटिंग। वरना मेरा प्लान था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमती थी, मेरे कलीग के साथ में, तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर, तू भी अपनी वाइफ को ले आ, अभी मज़ा आएगा। अच्छा, तो पहले सूप और पापड़ आया है नॉर्थ इंडियन थाली में, ये पापड़ है। तो आई एम ट्राइंग द सूप, आई थिंक टमेटो और कैरेट का सूप है क्योंकि हल्का सा ना स्वीट फ्लेवर आ रहा है। तो पहले ना मेरे को अकेले छोड़ दिया खाने के लिए, उसकी अभी भी बिजनेस मीटिंग्स और डील्स चालू है फ़ोन पे बाहर। मुझे टमाटो सूप कभी पसंद नहीं आया, केचप जैसा लगता है। थैंक गॉड इसमें कैरेट है तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ रहा है। मेरी मील आ गई है, पनीर का ग्रेवी है, दाल है और कोई सब्जी है, कर्ड राइस है, वेज पुलाव है, दो रोटी है एंड देन सैलड है, और यहाँ पे है पापड़, पनीर। तो ऑडियो मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था, और तुफेल भी आ गए थे सामने बैठ के, बहुत सारी बातें कर रहे थे गुस्से गुस्से में, तो मेरा पूरा ऑडियो ख़राब हो गया। और इतनी हिम्मत करके ना मैं खा रही थी सब लोगों के सामने इस तरह से, बाजू में भी लोग थे, सोच रहे थे कि कौन पागल आ गई है, क्या कर रही है ये कैमरा में देख देख के खा रही है, बता रही है, लोग समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा, क्या चल क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पे मुकबैंगर बनने का ट्राई किया। और हाँ, एक और चीज़, मेरे को ना इतना डर लगता था ना, मतलब अकेले खाने को, और आज देखो कैसे, मतलब मैं फ्रीली खा रही हूँ वो भी कैमरा ऑन करके मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। और ठीक है यार, यू शुड ओवरकम योर फियर्स या एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, एंड आई वाज लिटरली एंजॉयिंग ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मैंने कब प्लेट ख़त्म कर दी ना खा के, मुझे खुद मतलब पता ही नहीं चला, इतना मतलब मुझे एंजॉयमेंट मिल रहा था, मज़ा आ रहा था खाने के लिए। एंड आई एम डन फाइनली, नॉट सो डन बिकॉज कर्ड राइस बच गया है, और अगर मैंने वो ख़त्म नहीं किया तो साउथ इंडियन के नाम पर मैं तो धब्बा हूँ। और ये आइसक्रीम ना तो फिर ने पूरी खा गए बात करते करते फ़ोन पर, उनको खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनने कब खाए। और ये तो मेरा फेवरेट है जो कर्ड राइस है ना, तड़का वाला, मतलब मैं घर में भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखो, ये बात करते करते चोर खा रहे आइसक्रीम, और उसको पता भी नहीं कि वो कब ख़त्म कर गए आइसक्रीम को। और फिर बाद में पूछा मेरी आइसक्रीम खा ली, तो ही इज़ लाइक मैंने नहीं खाई। एंड गेस वॉट, तड़का वाले कर्ड राइस में ना मुझे घी फ्राइड कैश्यू मिला, काजू, बहुत टेस्ट इसका अच्छा आया। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं घर में बनाऊँगी तो ये भी मैं ज़रूर डालूँगी। और ये देखो, आइसक्रीम शांति से खा के ना प्लेट में रख दी है, और बंदे को पता ही नहीं है, मानने को ही नहीं तैयार है कि आइसक्रीम खाई है मेरी। जाने दो, वैसे भी आई डोंट लाइक आइसक्रीम दैट मच। और देख, हाँ ये देखो इतने सारे लोग, और ये बाजू के टेबल पे लोग सब लोग बैठे थे, और उन लोग अपना खाना कम खा रहे थे और मुझे ज़्यादा देख रहे थे रेस्टोरेंट पर अच्छा खासा फुल था, और वेटर्स भी सोच रहे थे कि क्या चालू है, और लिटिल डिड दे नो दैट दे आर सिटिंग बिसाइड द फ्यूचर की इंडियन मुकबैंगर। सोच रहे डेली लाइफ व्लॉग्स छोड़ के ना मुकबैंग व्लॉग्स बनाओ। मैं अभी यहाँ पे अपने फेवरेट स्पॉट पे हूँ, ये जो सोफ़ा वोफा है ना यहाँ पे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एकदम सामने से एसी की हवा आ रही है, और एकदम अपोजिट में मेरे हैं मिरर देखने के लिए,
देखो। और तो फिर पता नहीं कोई मूवी देख रहे हैं साउथ इंडियन अपने फ़ोन में, बैंगलोर आके उनको भी साउथ इंडियन वाला भूत चढ़ गया है। देखो उसमें बिजी है और मैं अपना एडिटिंग कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। खाना वाना आराम से हो गया हम लोग का, वो अलग रेस्टोरेंट में खाए, मैं अलग रेस्टोरेंट में खाई। और उनको खाना नहीं था बिरयानी, बट वो इतने अच्छे से, मतलब अच्छे से हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे थे, तो वो बैठ गए खाने और रूम में आके बोलते तुम बहुत शानी हो। मैंने बोला क्यों, तो कहते कि मेरे को फंसा दी उधर। मैं बोली तुम बोल नहीं पाते, मैंने बोली तुम खा लो, मैं नहीं खा रही हूँ करके, मैं कुछ और खा लूँगी। बेचारे आफ्टरनून मुझे बिरयानी खाए थे ना, वही खाई इनने। सो बस अभी फिर हम लोग सो जाएंगे और कल का दिन बहुत एक्साइटिंग रहेगा। लेट्स सी कि क्या करेंगे हम लोग, मज़ा आने वाला है। आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ, और कुछ एकदम आइकॉनिक फूड स्पॉट्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आपको शो करूँ कि वहाँ हम क्या क्या खाने वाले। आई जस्ट होप कि सब कुछ प्लानिंग से हो जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना है, तो वो भी एक चीज़ रहेगी। सो आज के व्लॉग में इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल आप लोगों के साथ में। आई नो आज के व्लॉग में इतना कुछ था नहीं, क्योंकि आज मेरा भी दिन यू नो काफ़ी ऐसा गया थकान में, एंड आज जब मैं आफ्टरनून में सोई थी, जब तो फेल नहीं थे थोड़ा सा, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई भूत वूत मेरे ऊपर बैठा हुआ है। बट आई नो वो ऐसा कुछ था नहीं, वो जस्ट जो फ्लाइट की थकान और ये सब की वजह से हुआ था, बाकी कुछ नहीं। सो लेट्स मीट यू गाइज टमोरो, सो स्टे ट्यून, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना मुझे इसी तरह से। थैंक्स अ लॉट एंड बाय, गुड नाइट एवरीबडी। बेबी आई नो यू आर अवेक, आई नो यू आर अवेक। अभी वॉशरूम आई, बारिश की आवाज़ देखो, इतनी बारिश हो रही है, मुझे पता ही नहीं बैंगलोर में इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखो पूरे विंडो पेंस, मुझे तो पता ही नहीं, और आवाज़ भी नहीं आ रही है इतनी अंदर ना। अभी मैं वॉशरूम गई तो खिड़की में से आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही है, बताओ। ये था मेरा व्लॉग, कल हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही आइकॉनिक प्लेसेस पे, सो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग्स को ज़रूर देखना, और ये व्लॉग पसंद आता तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।